तो दोस्तों आज वीडियो लेट आ रहा है, उसका बहुत ही बड़ा रीजन है मेरे बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो कंप्यूटर की प्रॉब्लम तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, बट माइक थोड़ा मेरा खराब हो चुका है, उसमें से आपको एक अलग सा ही साउंड सुनाई देता होगा, लेकिन वो मैं एडिटिंग में नॉइस हटा देता हूँ। और दूसरी चीज कि मेरा जो फोन है ये होने लग गया है बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि मैं नॉइस ना हो मेरी वीडियो में उस वजह से मैं अपने पंखा कर देता हूँ बंद। तो गर्मी में मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं तो गर्मी सहन कर सकता हूँ बट मेरा फोन गर्मी सहन नहीं कर सकता, और उस वजह से मेरा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। 10-15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरा फोन होने लग जाता है हैंग, तो मेरे फोन में जो वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती है उस वजह से मेरे फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पा रही थी। और आज सुबह से मैंने 3 बार वीडियो बनाया, तीनों बार बनाने का जब मैं रिकॉर्डिंग चेक करा तो मेरी रिकॉर्डिंग खराब आ रही थी। तो मैंने एक नई चीज बनाई है फोन को, फोन का एक मैंने होममेड कूलिंग सिस्टम बनाया है। अगर आपको देखना चाहोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने खुद के लिए फोन का एक कूलिंग सिस्टम बनाया है ताकि मेरा फोन बिल्कुल कूल डाउन रहे और मेरा फोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हो। बिल्कुल जैसे कि आरओजी का, आपने आसूस आरओजी का कूलिंग सिस्टम देखा होगा, उसी तरह से मैंने खुद का कूलिंग सिस्टम घर पे ही बनाया है ताकि मैं आराम से रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर आप चाहते हो वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो मैं शाम को, मैं इवनिंग में 7 बजे वो वीडियो डाल दूंगा। छोटा सा वीडियो है फोन का कूलिंग सिस्टम मैंने किस तरह से बनाया, उसकी पूरा मैं आपको बता दूंगा उस वीडियो में। और अब स्टार्ट करते हैं जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से अभी 3 बज रहे हैं, 3:20 हो रहा है और अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब आज का वीडियो कुछ ज्यादा खास नहीं, आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ ये है कि सौरभ जोशी ने जो अभी आज लास्ट वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं सौरभ जोशी ने जो लास्ट वीडियो अपलोड करा है उसके अंदर सौरभ जोशी ने खुद बताया। जैसे कि कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि तो जो सौरभ जोशी को कोरोना हुआ और उसके ऊपर आपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने ऐसा क्या बता दिया, ऐसा क्या नहीं बता दिया। तो मैंने जो सौरभ जोशी का वीडियो बनाया था जिसमें उनको कोरोना कैसे हुआ था, उसमें मैंने 4 वीडियोस के बारे में बताया था, और एक वो राजस्थान से जो लड़का आया था उनका फैन जो मिलने आया था उसका भी मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है वो वीडियो, मैंने वैसे भी अपना ओपिनियन दिया था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वीडियो मैंने बिल्कुल भी बेसलेस था तो अभी थोड़े दिन रुकिए, सौरभ जोशी का खुद का वीडियो आने वाला है। जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि आज उन्होंने वीडियो डाला था दवाई ले ली। तो देखिए मैं इस वीडियो में ही बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो वीडियो बनाया था सौरभ जोशी को कोरोना कैसे हुआ, अगर हमारे जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल ठीक रहे तो हमारा वो वीडियो बिल्कुल 101% सही साबित होगा जो भी हमने उस वीडियो में बताया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं सौरभ जोशी का कोरोना होने की क्या चांसेस थे, किस तरह से कोरोना हुआ। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। और ये भी वीडियो बनाने वाले थोड़ी देर बाद कि इनको कोरोना कैसे हुआ, अगर इनका और हमारा वीडियो से मैच करता है अगर 60-70% भी, तो हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी और तो क्या होना चाहिए। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला आज की वीडियो में। पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, बस ऐसी दवाइयाँ ले लेके दिल निकाल रहे हैं हम, बट जो भी है बेटर फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छी विशेष के लिए। फिर बस थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो बस घर में रहो, सेफ रहो। बाकी हमारी क्या गलती थी वो मैं वीडियो बनाऊंगा, हमारी क्या गलतियाँ थी, काफ़ी लोग कमेंट करे तुम्हारी गलती थी ये था वो था। मैं एक पर्टिकुलर बिकॉज मेरे पास ऑडियंस है, तो मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि आप लोग भी सही से रहो। बस फिलहाल तो कहूँगा घर में रहो, सेफ रहो, हम भी अभी बेटर फील कर रहे हैं, मम्मी जी यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ। तो बस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देख लिया ये भी वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारी क्या गलतियां थी, और हमने इनके जब कोरोना हुआ था उसके दूसरे दिन ही हमने वीडियो बना के डाला था कि इनकी ये गलतियां हो सकती है जिन वजह से इनको कोरोना हुआ है। तो बस वेट है इनकी इस वीडियो का कि इनकी वीडियो में क्या क्या ऐसा सिमिलर है जो हमारी वीडियो में है, और उसके ऊपर डिटेल से फिर मैं बताऊंगा कि हमने जो बोला था बिल्कुल इस वजह से बोला था। और अभी आने दो इनका वीडियो। और आज मैंने बहुत कुछ सोचा था बनाने के लिए पर सारा प्लान खराब हो चुका है इन सब चीजों की वजह से। मेरा फोन में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा माइक में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, माइक देख सकते हो ये इतना सा माइक है, ये प्रॉब्लम दे रहा है बहुत ज्यादा। और हाथ लगाते ही आपको थोड़ा नॉइस आया होगा, इसके अंदर नॉइस आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी हम दूसरा वीडियो लाएंगे, और आज 7 बजे हमारा एक वीडियो आ रहा है। मतलब अगर जो मैंने आज सुबह से किया, मैंने फोन को कैसे कूल डाउन किया, मेरा फोन अभी तक मेरा फोन 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरा फोन गर्म नहीं हुआ है। तो अगर आप भी ऐसे रिकॉर्डिंग करते हो, अगर आप भी वीडियो बनाते हो और आपका फोन गर्म करता है, गर्म होता है, तो आप भी बहुत इजी तरीके से अपने लिए कूलिंग सिस्टम बना सकते हो। फोन प्रॉब्लम और माइक प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया, और
अभी मैं वीडियो खत्म होने के बाद ये थोड़ा सेटअप सही करूंगा और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहा हूँ। और मैंने कल रात को सौरभ जोशी की फोटो एक बहुत अच्छी एडिट करी थी। वैसे मेरे को एडिटिंग का शौक है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। सौरभ जोशी की बहुत अच्छी फोटो और वीडियो एडिट करी थी। अगर आपको वो देखना है कि मैंने फोटो कैसे एडिट करी, तो मैं आपको कल आज रात तक वो वीडियो डाल दूंगा या कल सुबह डाल दूंगा। और बस इतना ही आज के लिए। और मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आती आ रही है मेरे साथ में। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वीडियो की वजह से। ये देख लीजिए फोन मेरा, कल रात को वीडियो बनाते हुए फोन भी गिर चुका है। ये देखो टूट गया होगा, आपने देखा। ये देखो मेरा फोन टूट गया वीडियो बनाते हुए। तो बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।